नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुकम्मल फिट, दिल का दौरा पड़ा न टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई, ड्रॉप आई और ब्लड टेस्ट समेत ईसीजी यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स क्लियर। दिल का मर्ज पुराना है, अब हार्ट अटैक नहीं हुआ, अस्पताल जराए ने तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ की अयादत के लिए मरियम नवाज, अयाज सादिक और एहसन इकबाल की सर्विसेज अस्पताल आमद, हुकूमत पर इलाज में गफलत बरतने का इल्जाम भी लगा दिया। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी, नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा, पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उनको जमानत मिल जाएगी और वो बाहर भी चले जाएंगे। खुर्शीद चाह की पेशगोई, बोले सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क का नुकसान होगा, जो NRO मांग रहा है उनके नाम लें, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, सिर्फ निजाम बदलना चाहते हैं। पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है और जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है। नवाज शरीफ को गुर्दे की पथरी के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं, लाल हवेली में दम कराने से पथरी निकल जाती है, शेख रशीद अहमद का मशवरा। नारोवाल स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बिलावल जरदारी, अपने नाजेबा अल्फाज पर मुआफी मांग ले तो उनके लिए बेहतर होगा। सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त, IG पंजाब के पेश ना होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का इजहारे पर हमी, अदालत ने ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसरान के नाम मांग लिए, रिकॉर्ड में रद्द बदल किया गया तो आप सब नतायज के जिम्मेदार होंगे, अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक वफाकी हुकूमत से हिदायत भी तलब। कब्जा माफिया खोखर बरादरान ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया, सरकारी अफसरान की मिली भगत से जमीनों की फर्दें जारी की गई, 402 के नाल राजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकल की गई, एंटी करप्शन की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। खोखर बरादरान कब्जा केस में अदालत उज़्मा ने तहकीकती कमेटी को मार्च के दूसरे हफ्ते तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, नैपसिन का केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कराने का फैसला, दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में जमा, मुकदमे की मुंतकली के लिए चेयरमैन नैप और प्रोसिक्यूटर जनरल नैप को दरख्वास्त भी अरसाल। उधर जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात पर DG नैप रावलपिंडी इरफान मंगी की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। तरक्की के दावे करने वाले कैसा पाकिस्तान और कैसे हालात छोड़कर गए, मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत संभाली, अपने दौरे इक्तदार के अगले मरहले में दाखिल हो गए हैं, हमें एहसास है रुपए की कदर में कमी के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आला सतह इजलास में खिताब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला समेत आला हुकाम शरीक हुए। नेप्रा ने आवाम पर बिजली गिरा दी, कीमत में 56 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। गैस सार्फिन की दुहाइयां और 92 News का इशू उठाना काम आया, ओगरा ने गैस 10 से 35% मजीद महंगी करने का फैसला आरजी तौर पर मौखर कर दिया। उधर विफाकी हुकूमत की जानिब से आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, 4 रुकनी टीम गैस बिलों में इजाफे के असबाब और वजूहात का जायजा लेगी। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने हज पर सब्सिडी ना देने और गैस महंगा करने का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को करार दे दिया, ट्वीट करते हुए कहा कि हज पर सब्सिडी ना देने की वजह 10 साल से खून चूसने वाली जोंके हैं, गैस भी इन्हीं जोंकों की वजह से महंगी करना पड़ रही है।
पाकिस्तान का आलमी बैंक से 40 करोड़ डॉलर कर्ज लेने का फैसला। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज पर सूद और इकसाद की सालाना अदायगी के लिए अखराजात 2000 अरब रुपए हो गए। बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा। कौमी इदारों की बहाली के लिए किए गए कर्जों का हुजम 1481 अरब तक पहुंच गया। एक हफ्ते से हमारी लड़ाई चल रही है हमारी खुपी से। खुपी ने हमारा पिछला मकान भी तोड़ दिया। उन लोगों ने हमारे छत पे कोई चीज फेंकी और भड़क करके आवाज आई है और हमारा घर गिरा है। कराची करंकी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद की हलाकत। तफ्तीश में नया मोड़ आ गया। रिश्तेदारों ने घर की छत पर कुछ फेंका। जांबहक शख्स के बेटे का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि घर के पीछे पहाड़ी से मिट्टी का तौदा गिरने से छत मुनहदिम हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां। मुल्क में कल आम तातील होगी। दीपालपुर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर। 5000 अफराद ने शिरकत की। स्पेन, यूनान और इटली समेत यूरोपीय ममालिक में रैलियां और मुजाहरे। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरा मकबूजा कश्मीर पर मुंह की खाना पड़ गई। डल झील के दौरे पर मोदी के इस्तकबाल के लिए कोई भी ना आया तो कैमरे को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कश्मीर में मुसलमानों को मुतासर करने के लिए मोदी ने जिना कैप का भी सहारा लिया। मसीहों के रूहानी पेशवा पाप फ्रांसिस तारीखी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। पाप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वी आर ऑन आवर वे टू पेशावर। PSL सीजन 4 की रंगीनियां जोशो अरूज पर। पेशावर जलमी टीम के कप्तान डेरन समी भी पेशावर पहुंच गए। मोटरवे पर शानदार इस्तकबाल। आज गवर्नर हाउस में होने वाली पेशावर जलमी के कैट और तराने की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। डेरन समी कहते हैं पेशावर पहुंचकर सफर की सारी थकावट दूर कर ही दी। कराची के साहिल पर पहली मरतबा नेजाबाजी के मुकाबले। मैदान में शाह सवारों ने लेमन कटिंग, रंग और देसी नेजाबाजी के जौहर दिखाए। ढोल की थाप ने माहौल को गर्मा दिया। रंगीन धागों के हसीन इम्तिजाज से बलूचिस्तान के हुनरमंदों की कारीगरी। जानवर के चमड़े पर ऐसी कशीदाकारी करते हैं कि देखने वाली आंख शिद्दत हैरत में मुब्तला हो जाती है। कशीदाकारी में जहां मेहनत और लगन शामिल है, वहीं बलूचिस्तान के वासियों की कदीम सकाफत और रवायात भी नमाया है। यादगार ड्रामों की तख्लीक़कार बानू कुदसिया की आज दूसरी बरसी। उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध समेत बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। बानू कुदसिया ने कई यादगार ड्रामे सीरीज भी तहरीर किए। हुकूमत की जानिब से सितारा इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया।